बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अभिमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम फूल बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने एक चार्ट लिया है और ये कंप्यूटर शीट लिया है, इसके साइज़ के मुताबिक इसके पीसेस मैं काटूंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये लाइनें मैंने लगाई हुई हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इस तरह वन बाय वन इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने कंप्यूटर शीट ली है, उसे डबल कर लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको इस तरह डबल कर लेंगे। अब हमने ये कर लिया था। अब हम इसके गिर मैं एक लाइन लगा लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ तक हमने हाशिया लगाया था, उधर तक हम इस तरह के साये बनाते जाएंगे। ये मैंने एक पीस हार्ड चार्ट का लिया है। अब मैं इसे इस तरह होल्ड करके एक लंबी सी स्टिक बना लूँगी।
रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये बनाए थे इसको भी दूसरी बार पेस्ट कर लेंगे। इसे यूज खोलना है, खोल कर दूसरी तरफ तैल लगानी है इसकी। हमारा तैयार हो चुके हैं, अब हम इसके ऊपर इसे निकाल देंगे। हमारा ये फूल तैयार हो चुका है और देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह हम बाकी दूसरे तैयार कर लेंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले बनाया था तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने व्लॉग बनाने से पहले बना ली थी। ये टेबल है, ये भी वैसे ही बने हैं जैसे पहले मैंने एक का आपके साथ शेयर किया हुआ है, वैसे ही ये बने हुए हैं। घी के डिब्बे हैं, उनके ऊपर हॉट चाट वगैरह लगा के डेकोरेशन मैंने कर ली है। और एक फालतू शीशा घर में पड़ा हुआ था उसे मैंने इस्तेमाल में ले आई, लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं। ये लैंप भी मैंने बहुत पहले बनाया था और ये फूल मैंने पहले आपको दिखाए हैं। और ये जो नीचे गुलदस्ता है मैंने ये पहले ये बनाया था। अगर आप को पसंद आए तो आप किसके घर जाएं, बीमार पूछ के लिए जाएँ, वैसे जाएं, सालगिरह वगैरह पे जाएं, कोई भी फंक्शन हो आप किसी को गिफ्ट करने के लिए ये बेहतरीन बुके आप इसको ले जा सकते हैं। ये मैंने छोटा सा गुलदस्ता तितली काट ली है, ये मैंने एक फिश काटी है। ये हमारे घर पुराने ज़माने की जो लाइटें होती थी, लाइट आई उन्हें के अंदर शीशा होता था वो मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने कांच के डाला है
हम तो इसे बंटे कहते हैं, आप क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसे डेकोरेट किया है और देखें कितना प्यारा बन गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये हमारे घर फालतू पुराना पाइप, पानी का पाइप पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक चार्ज सिंपल सा चार्ज मैंने चिस्पा किया हुआ है, और इसके ऊपर घर में फालतू पड़ी थी लेस वो मैंने इस्तेमाल में लाई। और देखिए कितना प्यारा गुलदस्ता तैयार हो गया। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने पानी वाला पाइप लिया है और ये थोड़ा सा मैंने कलर कर लिया। ये गुलदस्ता मैंने बहुत पहले बनाया था, ये सबसे पहले बल्कि बनाया था मैंने। ये मैंने एक फार्मिक शीट ली थी, उसके अंदर ये तितलियाँ बनी हुई थी, मैंने खुद काटी हैं ये, और ये भी मैंने खुद काटी है। इसके नीचे मैंने हार्ट चार्ट लिया है, और ये लेस ली है मैंने एक, और ये फूल भी मैंने खुद बनाए हैं। आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा बने। आइए आगे चलते हैं। मैं ये वाला फूल मैंने 12 रबी उल अव्वल की फंक्शन के ऊपर जो डेकोरेशन मैंने की थी, और बहुत सारी हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूंगी, लेकिन ये वाला मैंने लगा लिया। ये मैंने 12 बजे के फंक्शन पे बनाया था, बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह फिर बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। ये मैंने वॉल डेकोरेट की हुई है, कुछ हार्ट चार्ट है, कुछ कंप्यूटर शीटें हैं, कुछ फार्मिक शीटें हैं, उनके साथ मैंने तितलियाँ बनाई हैं, दिल वगैरह बनाए हैं। घर में फालतू मोती वगैरह पड़े हुए सब कुछ पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने इस्तेमाल में लेकर आई, और देखे कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, जो जिन जिन किताबों का मैं बता रखी है वो मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है, उनके दरमियान मैंने ये डेकोरेट किया। ये पानी की बॉटल है जो हाल ही ख़राब हो चुकी थी, तो उसको मैंने इस्तेमाल में लाई हूँ, मोतियों के साथ फार्मिंग शीट इसी तरह की सब चीज़ें लेकर मैंने फूल बनाकर उसके अंदर लगाई हैं, और देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ये एक डेकोरेशन पीस इसके अंदर था, ये डिब्बा बहुत ही प्यारा बना हुआ था, उससे मैंने मज़ीद डेकोरेट करके इतना खूबसूरत बना लिया। ये फूल भी ऊपर मैंने खुद बनाए हैं, और ये आप दिल काट लें, और वो दिल काट कर मैंने इसके ऊपर लगाया, और ये देखें कितना प्यारा दिखता है चारों तरफ घूमता हुआ। अगर आपको ये मेरी सारी चीज़ें पसंद आई हो, और अगर मेरी गुफ्तगू भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।